प्रतिवर्ष भारत में श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। वहां इस दिन गुड़िया को पीटने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है। इस संबंध में इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलौकिक टीवी। ज्ञान विज्ञान रहस्य एवं ज्योतिष वास्तु से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियोस आप सबसे पहले पाएं। जैसा कि हम सभी ने किसी न किसी को यह कहते हुए कहीं न कहीं अवश्य ही सुना होगा कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, और यही कहावत नागपंचमी के दिन गुड़िया पीटने की परंपरा के पीछे भी है। आप नहीं जानते होंगे कि गुड़िया को पीटना अपने आप में कुछ अनूठा सा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी महिलाओं से जुड़ी होने के कारण नागपंचमी के त्यौहार पर उत्तर प्रदेश में गुड़िया पीटने की एक पौराणिक परंपरा चली आ रही है। इस संबंध में प्रचलित कथा के अनुसार तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। कुछ समय बाद तक्षक की चौथी पीढ़ी की बेटी की शादी राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में हुई। जब वह शादी करके ससुराल में आई तो उसने यह राज एक सेविका को बताया। उससे कहा कि वह यह बात किसी को ना कहे, लेकिन सेविका से रहा नहीं गया और उसने यह बात किसी दूसरी महिला को बता दी। इस तरह बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई। इस बात से तक्षक के राजा को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उसने नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। महिलाओं के इकट्ठा होने के पश्चात उन्हें कोड़ों से पिटवा कर मरवा दिया। उसके पीछे राजा को इस बात का गुस्सा था कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती। माना जाता है कि तभी से गुड़ियों को पीटने की परंपरा मनाई जाती रही है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य कहानी के अनुसार एक लड़की का भाई भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। उस मंदिर से उसे रोज नाग देवता के दर्शन होते थे। वह लड़का हर दिन नाग देवता को दूध पिलाने लगा और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। नाग देवता को उस लड़के से इतना प्रेम हो गया कि वो उसे देखते ही अपनी मड़ी छोड़कर उसके पैरों में लिपट जाते थे। इसी तरह एक दिन श्रावण के महीने में दोनों भाई बहन एक साथ मंदिर गए। मंदिर में जाते ही नाग देवता लड़के को देखते ही उसके पैरों में लिपट गए, और बहन ने जब यह नज़ारा देखा तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि नाग उसके भाई को काट रहा है। तभी लड़की ने भाई की जान बचाने के लिए नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने पूरी कहानी बहन को सुनाई तो वह रोने लगी। फिर वहां उपस्थित लोगों ने कहा कि नाग देवता का रूप होते हैं, इसलिए तुम्हें दंड तो मिलेगा। चूंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इसलिए कालांतर में लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। इस तरह गुड़िया पीटने की परंपरा शुरू हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।